हेलो भाई, एक बिल्ड वो पीछे पड़ी हुई है जिसकी वीडियो शायद आप देख चुके हो, 12700 के की बिल्ड है, और दूसरी मैं अभी बनाने लगा हूँ 12600 के की बिल्ड। 12600 के B660 DS3H लिक्विड कूलर वही है, CV650 सप्लाई है, क्योंकि इन भाई ने 3060 आई थिंक लगाना है, इन्होंने ले ली है, तो ग्राफिक कार्ड ये खुद लगाएंगे। 3600 MHz की रैम है और 500 GB की NVMe वेस्टर्न डिजिटल ब्लू। एनीवे, तो ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते हैं, सेटिंग वेटिंग हमने कर ली है, यूं करके हम बैठेंगे यहाँ पे, तो लेट्स गो टू द वीडियो। मेरा नाम नोमान खालिद है और आप देख रहे हैं डड्डू चार्जर चैनल। नाम थोड़ा अजीब सा है चैनल का, बट कोई बात नहीं यार, अच्छा कंटेंट देता हूँ, कंटेंट पे फोकस करो। बट आज हम ये बिल्ड बनाने लगे हैं जिसकी जो टोटल कॉस्ट आई है तकरीबन 180,000 है विदाउट ग्राफिक कार्ड। 12600K की बिल्ड है और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड अगर ऐड कर लें तो ये आपकी मर्जी, ग्राफिक कार्ड कितने का ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर 3060 लगेगा जो 140,000 रुपये का आई थिंक उन्होंने उनको पड़ा होगा, या 135 का, तो उसके साथ ये बिल्ड बन जाती है तकरीबन 3,10,000 रुपये की 3060 12 जनरेशन 12600K के साथ। और ये 12600K जो प्रोसेसर है ना भाई, ये आपके 5600X से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 कोर 16 थ्रेड के साथ है, 2 कोई इंटेलिजेंट कोर होते हैं इसके अंदर, जिसका सीन अभी मैंने चेक करना है क्या है, मैंने खुद भी स्टडी नहीं की, बट बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, 65,000 प्राइस है। एनीवे, तो आज ये बिल्ड हम जो बना रहे हैं ये हमारे अम्मार भाई की है, आई थिंक ये फैसलाबाद से, मैं इनका शहर भूल गया हूँ, जल्दी जल्दी मतलब पैसे ले लिए हुए हैं ना, आप भूल ही जाएंगे क्या करें, बट नहीं, बिल्ड देनी है, कल डिलीवर करनी है। आज 23 फरवरी 2022 की ये प्राइजेज हैं और 23 फरवरी 2022 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड अब कब होती है मुझे नहीं पता। एनीवे, जल्दी करूँगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं जाया करें। अगर आपने भी इस तरह की बिल्ड बनानी है और 12 जनरेशन की स्पेशली बिल्ड बनानी है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे बात करके आपको मैं बिल्ड बना के दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं जाया करते, लेट्स गो टू द स्पेक्स सीक्वेंस। हेलो गाइस, इस पीसी की जो स्पेक्स हैं, सबसे पहले केस से स्टार्ट करते हैं, थैंक्स टू पाक दुकान जिन्होंने केस मुझे प्रोवाइड किया, कैश नहीं केस, ये NZXT 510 बड़ा ही डिसेंट सा केस है, फुल क्वालिटी वाला, 16500 इसकी रिटेल है। इसके बाद जो प्रोसेसर है 12600K, वन ऑफ द बेस्ट, 10 कोर 16 थ्रेड, गेमिंग के लिए बीस्ट है, एडिटिंग के लिए बीस्ट है, इस प्राइस के अंदर बेटर देन 5600X, 60,000 का 5600X ले रहे हैं तो ये बहुत बेटर चॉइस है। मदरबोर्ड इसका जो है B660M लगाएंगे, इस टाइम इस मदर की मार्केट प्राइस तो 35-40 भी जा रही है, बट मैंने इस टाइम जो सेल की है 33,000 में की है, मदरबोर्ड शॉर्ट होने की वजह से थोड़ा महंगा है, एक्चुअल में इसकी जो प्राइस है 27-28,000 रुपये आई थिंक, और इवन ये 25 तक भी आया था, लेकिन जब बहुत रेगुलर हो जाएगा मार्केट में तो मे भी 25-26 तक प्राइस आएगी 2-3-4 महीने बाद, अभी ये 30 अभाव ही सेल होगा क्योंकि शॉर्ट हो चुका है। 12600 के साथ ये बेस्ट मैच है मदरबोर्ड, बाकी मदरबोर्ड महंगे होते हैं, 4 RAM स्लॉट है, बत्तियाँ शत्तियाँ सिंक हो जाती हैं और अच्छी पावर है, 12600K को चला लेगा इजीली। जो सप्लाई लगा रहे हैं 650 CV 650 80+ ब्रॉन्ज कॉर्सेयर 12500 की सप्लाई है और ये आराम से चला लेती है आपके 3060 को, बल्कि 3070 भी चलाएगी, बट 3070 जब लगा रहे हैं तो थोड़ी XPG वगैरह लगा लें, XPG नहीं सॉरी 80+ गोल्ड वगैरह। एनीवे, जो इसमें रैम है, अगेन हमारी फेवरेट वी कलर 3600 MHz की रैम है, जो कि 17,000 रुपये की रैम है और ये 2 स्टिक्स हैं ब्लैक कलर की, RGB और 8 GB की 2 16 GB रैम, वेस्टर्न डिजिटल की 500 GB की NVMe है 11,000 रुपये की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, 11,500 रुपये की है, 3500 MB स्पीड के साथ आती है और काफ़ी अच्छी, आई थिंक इसमें DRAM है, बट आई एम नॉट श्योर, ये 3.0 है। और इसके बाद हम जो लिक्विड कूलर यूज़ करेंगे, कूलर मास्टर वन ऑफ द बेस्ट फॉर 12 जनरेशन, एक ठंडा अंटार्कटिका बना देता है आपके प्रोसेसर को, मैं कहता हूँ ठंड लग जाएगी प्रोसेसर को, इतना अच्छा है। अभी मैंने i7 में लगाया 12700K में तो आइडल पे 2200 और फुल लोड पे 60-65 जा रहा था, जो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है। और इसका 12600K के साथ भी हम यही लगा रहे हैं, 18500 रुपये का कूलर है, बट 18000 का इनको मैंने दिया और ये सारी बिल्ड है, इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, ग्राफिक कार्ड भाई खुद लगाएंगे 3060। तो ज़रा टाइम ज़्यादा करते हैं, लेट्स गो टू द बिल्डिंग सीक्वेंस। तो गाइज, हम इसको मदरबोर्ड को तैयार कर लेते हैं। 12600K का प्रोसेसर इसमें सबसे पहले लगाना है, ये सील है, तो ये सील है, ये कूलर के बगैर आते हैं प्रोसेसर, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनको एक्सटर्नल कूलर ज़रूरी है, ये वो फुद्दू कूलर पे नहीं चल सकते। तो ये आ गया 12600K, ठीक है, इसको अब लगाते हैं अंदर, ये यूं खोलते हैं, यूं करते हैं, यहाँ करते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है इसी तरह है, ये
यूं करके इसको, अबे ये क्या है, लग गया। सो इसके बाद हम रैम्स को लगा लेते हैं। रैम्स भी सील्ड हैं, बल्कि इनकी मैंने खोल दी थी सील शील। एनीवे बाहर कर दो भाई साहब। तो ये इधर वाली पहले लगानी चाहिए, ठीक है रैम्स, और एक छोड़ के लगानी चाहिए। खैर अब लगाते हैं हम SSD। अम्मी अम्मी अबे फट क्यों रहा है यार। WD आई थिंक ये DRAM के साथ है, क्योंकि ये जो नीचे चिप होती है ना, आई थिंक ये DRAM की होती है। आई एम नॉट श्योर ब्रो, बट स्टिल इसकी स्पीड 3500 है, तो ये अच्छी परफॉर्म करेगी। अम्मी अम्मी रैम और प्रोसेसर लग गया। अच्छा मदरबोर्ड लग गया, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको यूँ रखते हैं। ये वाली जगह आपको नज़र आ रही होगी, अब यहाँ पे लगता है कूलर। अब रोशनी इधर इतनी नहीं है, उसको इग्नोर मारें। मैं ट्राई करता हूँ रोशनी अगर आ जाए, बट चलो छोड़ो। खैर यहाँ पे कूलर लगता है, इसकी एक प्लेट सी है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये आ गई प्लेट, इसके साथ कूलर लगेगा और यहीं पे लग जाएगा। तो बाहर वाली साइड हम फैन लगाएंगे ताकि वो इंटेक करें, अंदर से कूलर को भी ठंगा करें, हवा भी अंदर मारें और इधर वाले हवा बाहर मार दें, तो डायरेक्शन भी ठीक रहेगी और कूलर भी ठीक रहेगा। तो मैं कूलर निकाल लेता हूँ, जो कि पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था मैंने। ये है कूलर, ये इसके दो फैन हैं RGB वाले, जो कि हम इधर इस इधर लगा देंगे। और कूलर ये आ गया, इसके ऊपर हम वो सादे वाले फैन लगा देते हैं। ओके फाइनली बिल्ड ये भी रेडी कर लिए। ये दूसरी बिल्ड आज 23 फरवरी आज मैं रेडी कर रहा हूँ, फरवरी। ओके तो इस बिल्ड की जो टोटल कॉस्ट है ये 1,75,000 रुपये। ये 12600 के और B660 के साथ 16 GB रैम, RGB NZXT का केस, लिक्विड कूलर, ये आपका कूलर मास्टर और कॉर्सर की सारी प्रीमियम अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसमें अगर 3050 ऐड कराते हैं तो ये 280 समथिंग की बिल्ड बनेगी, और अगर कोई और ग्राफिक कार्ड ऐड कराते हैं तो आपकी मर्जी, बट विदाउट ग्राफिक कार्ड 1,75,000 रुपये की बिल्ड बनी है, 175,000 रुपीज़। एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर ऑन, सॉरी एक मिनट मुझे इंग्लिश लाने दो। सो गाइस इफ यू वांट योर बिल्ड यू कैन कॉन्टैक्ट डू चार्जर राइट नाउ देयर इन द व्हाट्सएप नंबर। हर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी बिल्ड के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी बिल्ड बन के ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर हो जाएगी। ये भी फैसलाबाद जा रही है, ये एक काला बाग कहीं मैंने भेजनी है, पता नहीं ये काला बाग की है कि दूसरी, देखनी पड़ेगी। और एक सखर जाएगी बिल्ड अभी कल 3050 वाली। तो ये बिल्ड कंप्लीट हुई हुई है, और इसके जो बेंच मार्क हैं उसके लिए भी आई एम सॉरी, क्योंकि भाई टाइम नहीं है, एक दिन में 4 बिल्डें बनाऊंगा, बेंच मार्क करूंगा, इधर विंडो करने का टाइम नहीं होता। तो बेंच मार्क चैनल नहीं है ये, बेंच मार्क के लिए आप काइंडली यूट्यूब पर सर्च करें, बेंच मार्क भरे पड़े हुए हैं, 12700K, 12500K, 12600K, सब कुछ आप बेंच मार्क मिल जाएंगे। बट यहाँ पर बिल्ड बनेंगी और बिल्ड का आइडिया होगा, और यही है। तो आज छोटे मतलब काफ़ी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कैप करें, और ऐसी वीडियोस देखते रहे, सपोर्ट करते रहे। ओके डाडा, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।